दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और एक बार फिर मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। मैं आपके साथ एक मुद्दे पर चर्चा में हूं, जिसमें मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस क्यों हारी। मैंने आपको बताया था कि दलित वोटों के वर्गीकरण के चलते या दलित वोटों के बंटवारे के चलते, एससी और डीएससी के बंटवारे के चलते कांग्रेस को खासा नुकसान हुआ। इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको दूसरा कारण कि कांग्रेस की हार का दूसरा कारण क्या रहा। विधानसभा चुनाव के अंदर, इससे पहले चाहे लोकसभा के चुनाव थे और अब चाहे विधानसभा के चुनाव थे, हरियाणा के अंदर तीन बड़े प्रमुख मुद्दे रहे। तीन मुद्दे वो रहे, एक जवान, एक किसान और एक पहलवान। यानी कि जवान का मतलब अग्निवीर और युवा, किसान का मतलब फार्मर किसान और पहलवान का मतलब खिलाड़ी। इन तीन मुद्दों पर चुनाव ने काफ़ी हद तक करवटें ली। जवान, किसान और पहलवान, ये तीनों मुद्दे जहां कांग्रेस लेकर के चली, वहीं इन्हीं मुद्दों को कैश किया भारतीय जनता पार्टी ने भी। अगर बात जवान की करें तो भारतीय जनता पार्टी ने जहां ये बताया कि हमने बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरियां दी, अग्निवीर के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अग्निवीर को जब वो वापस आएंगे तो उनके लिए हमने पेंशन की योजना और उनके लिए स्थायी नौकरी की योजना बनाई है। वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे पर कांग्रेस पूरी तरह अग्रेसिव थी। कांग्रेस का कहना था कि जवान यानी कि युवाओं को सरकार में रोज़गार नहीं मिला, और अग्निवीर को लेकर के खासकर, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे वो दीपेंद्र हुड्डा हो, चाहे वो चौधरी उदय भान हो, मतलब कांग्रेस के तमाम बड़े छोटे नेता, सभी ने इस मुद्दे को, यानी कि अग्निवीर और बेरोजगारी, कुल मिलाकर जवान, इस मुद्दे को पूरी गंभीरता के साथ उठाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं तो वो ये संदेश देने में कामयाब हुई कि उनकी सरकार ने यूथ को जो रोज़गार दिए, जो नौकरियां दी, उसके अंदर किसी प्रकार का क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, ये हमने नहीं किया। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता थे। कांग्रेस के नेता, आपको ध्यान होगा शमशेर गोगी का वो बयान, जिसमें शमशेर गोगी ने कहा था, नौकरियों की बात आई थी तो कहा था कि पहले अपना घर भरेंगे। आपको ध्यान होगा नीरज शर्मा जो फरीदाबाद एनआईटी के चुनाव लड़ रहे थे 86 से, उनका बयान, जिसके अंदर नीरज शर्मा कह रहे थे कि नौकरियां देंगे उन बूथों पर जहां पर 50 वोट मिलेंगी तो 50 नौकरी देंगे। यानी कि ये कहा था कि ज़्यादा नौकरी देने वाले को, ज़्यादा वोट देने वाले को ज़्यादा नौकरी मिलेंगी। अगर उसके बाद जाएं तो फिर लखन सिंगला का बयान, फरीदाबाद 89 के चुनाव लड़ने वाले नेता, कांग्रेस के नेता लखन सिंगला ने अपने बयानों में कई बार कहा कि उनकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ अच्छी बनती है, सरकार बनेगी, वे नौकरियों का कोटा ज़्यादा लेकर के आएंगे। इतना ही नहीं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने कहा, अपने भाषणों में कहा कि हम नौकरी देंगे। ये बात युवाओं को लगी कि आखिर नौकरी देने वाले सरकार क्यों, नौकरी तो कुशलता, योग्यता के आधार पर मिलनी चाहिए, नौकरी कुशलता के आधार पर मिलनी चाहिए, नौकरी उनको मिलनी चाहिए जिनका राइट है। और इस मुद्दे को लेकर के जहां भारतीय जनता पार्टी अपने पूरी उस मुद्रा के अंदर थी कि बिना पर्ची और बिना खर्ची की नौकरी, इसके साथ साथ अग्निवीर को और सरल बनाना, अग्निवीर को जब नौकरी से आए तो उनके लिए नौकरी का इंतज़ाम करना, उनकी पेंशन वाली नौकरी का इंतज़ाम करना, भारतीय जनता पार्टी अपना संदेश देने में कामयाब हो गई। और कांग्रेस के लोग केवल इसी बातों में रहे कि मैं अपनों को नौकरी देंगे, हम अपनों को लाएंगे, अपने लोगों को ज़्यादा नौकरी देंगे, अपनों को ये करेंगे। ये बात चाहे वो अग्निवीर की थी, चाहे वो नौकरियों की, सरकारी रोज़गार की, इसने यूथ वर्ग को, युवा वर्ग को खासा प्रभावित किया। और युवा वर्ग धीरे धीरे, जो पहले कहीं पूरे अग्रेसिव मोड में कांग्रेस के साथ था, वो धीरे धीरे छिटकता गया और छिटक छिटक करके वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुड़ता गया। दूसरा मुद्दा था किसान, किसान आंदोलन। मनोहर पार्ट टू की सरकार, इसके साथ साथ देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी पार्ट टू की सरकार, इस सारी दोनों सरकारों के अंदर किसान आंदोलन बड़ा मुद्दा बना। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि उन्होंने किसान की आय दोगुनी करने की कोशिश की, किसान सम्मान निधि शुरू की, किसान कानून, जो कृषि कानून, जिसको लेकर के कि एक साल से ज़्यादा किसान सड़कों पर रहे, तो प्रधानमंत्री मोदी ने उस समय, आपको ध्यान होगा, ये कहते हुए वापस ले लिए कृषि कानून कि किसान मेरी बात को समझ नहीं पाए।
बस यही फर्क था। जहां उसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के लिए किसान सम्मान निधि शुरू कर दी, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के इतर कांग्रेस ने इसे मुद्दा तो बनाया, किसान आंदोलन को कांग्रेस ने मुद्दा तो बनाया लेकिन एक वर्ग तक सीमित कर दिया। अगर कहें तो किसानी करने वाले लोग हर समाज में हैं, चाहे वो जाट समाज है, गुजर समाज है, राजपूत समाज है, सैनी समाज है, इसके साथ साथ तमाम किसान और मजदूर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। लेकिन लोगों के बीच संदेश ये गया कि जैसे किसान के मुद्दे को कांग्रेस ने केवल एक जाति पर केंद्रित कर दिया, एक जाति यानी कि जाट समाज पर आधारित हो गया, बड़ा मुद्दा बना इस बात का। तो जब किसान के मुद्दे की बात आती है, जो मैंने आपको बताया कि किसान वर्ग है, वो दो वर्गों के अंदर एक तरह बटा हुआ दिखाई दिया, एक वर्ग जाट समाज का और दूसरा वर्ग चाहे उसके अंदर गुजर समाज है, राजपूत समाज है, सैनी समाज है, अन्य वर्गों के लोग हैं, ब्राह्मण समाज है, किसानी खेती करने वाले सभी वर्गों में हैं, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं बंटवारा होता दिखा। और अगर इधर आते हैं तो फिर किसान आंदोलन को लेकर के जो शहरी समाज है, शहरी समुदाय है, शहर में बसने वाले लोग हैं, चाहे वो शहर के रहने वाले छोटे दुकानदार हैं, छोटे व्यापारी हैं, किस कंपनियों के अंदर नौकरी करने वाले लोग हैं। मैं आपको बताता चलूं कि जिस समय किसान आंदोलन चल रहा था उस समय पर सोनीपत से लेकर के सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, यमुनानगर, अम्बाला, पंचकुला, इन तमाम जिलों के अंदर कहीं ना कहीं शहर के अंदर बसने वाले छोटे दुकानदारों, छोटे व्यापारियों, कर्मचारियों, इनके अंदर कहीं रोष था। आपने देखा भी होगा उस दौरान कई ऐसे मौके सामने आए थे कि जब लोग आमने सामने हो जाते थे, यानी कि किसान और दूसरी तरफ शहर के लोग, छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी। इसके साथ साथ एक नज़ारा वो हुआ करता था कि जब सड़कें जाम पड़ी हुई थी उस दौरान में कंपनियों में, फैक्ट्रियों में नौकरी करने वाले जो लोग थे, इंडस्ट्रीज़ के लोग भी परेशान थे और उनमें काम करने वाले एक क्लास से लेकर के और क्लास फोर तक नौकरी करने वाले, उन सभी लोगों को कहीं ना कहीं भारी असुविधाओं का सामना करना होता था। इससे अगर माने तो जहाँ किसान आंदोलन से जहाँ कांग्रेस फ़ायदा लेने की उसमें थी कि उसका फ़ायदा मिलेगा, लेकिन वो भी केवल एक जाट समाज के किसान तक सीमित रह गया, जो गैर जाट किसान है उनका और दूसरी तरफ फिर शहर के लोगों का, इन सब लोगों का मिला जुला विरोध कांग्रेस की तरफ बढ़ता गया। परिणति ये हुई, उसका परिणाम ये आया कि सोनीपत जैसी जाटलैंड जो सीट मानी जाती है, जो सोनीपत ज़िले के अंदर कांग्रेस 4 सीट हार गई, पानीपत ज़िले के अंदर अगर जाएँ तो कांग्रेस का खाता नहीं खुला। अगर आगे चलते हैं तो अम्बाला और कुरुक्षेत्र के अंदर जहां माना जाता था कि बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा, लेकिन हुआ उसके उलट ये हुआ कि कांग्रेस सीमित सीटों पर सिमटती हुई नज़र आ गई। ये किसान आंदोलन का प्रभाव था। और तीसरा आया पहलवान आंदोलन, आपको ध्यान होगा, खिलाड़ियों वाला आंदोलन आपको ध्यान होगा, ब्रजभूषण शरण सिंह से लेकर के और विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया से लेकर के तमाम खिलाड़ियों के साथ में, पहलवानों के साथ में लोगों की सहानुभूति थी। लेकिन यहाँ भी वही हुआ, जब बात आती थी तो कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई पड़ता था कि जैसे खिलाड़ी और पहलवान के मामले को भी जोड़ दिया गया एक समाज के साथ में, ऐसा संदेश अग्रेषित हुआ, ऐसा संदेश लोगों के बीच में गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि जो सहानुभूति जानी चाहिए थी खिलाड़ियों की तरफ, पहलवानों की तरफ, वो कहीं सिमटती गई। अगर आप जुलाना की विधानसभा सीट को देखें, जब वहाँ पर विनेश फोगाट चुनाव लड़ने पहुँच गई तो फिर जनता के बीच ये संदेश चला गया कि क्या वो सारा आंदोलन राजनीति से ही प्रेरित था। जिस प्रकार के आरोप भारतीय जनता पार्टी के लोग और कुछ और लोग लगाया करते थे पहलवानों के आंदोलन के दौरान, खिलाड़ियों के आंदोलन के दौरान, कि ये कहीं से प्रभावित आंदोलन है, किसी विशेष के लिए किया जाने वाला आंदोलन है, और जब विनेश फोगाट चुनाव लड़ने पहुंची जुलाना के अंदर, तो फिर वो संदेश जो चल रहा था उसकी कहीं पुष्टि होती नजर आई और इसका भी एक प्रभाव गया। अब जुलाना की विधानसभा सीट ही देख लें, ये ठीक है कि विधानसभा के अंदर पहली बार, ऐसा शायद पहला मौका है कि जब कोई रेसलर, पहलवान विधानसभा में है, प्रोफेशनल रेसलर, हालांकि बहुत सारे पहलवान राजनीति में जाते रहे हैं और चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, प्रोफेशनल रेसलर जो थे, विनेश फोगाट के रूप में पहली एंट्री हुई। लेकिन जुलाना का परिणाम भी देखेंगे तो फिर अचंभित रह जाएंगे।
जब जुलाना विधानसभा का चुनाव शुरू हुआ था तो कहा जाता था कि ये एक तरफा चुनाव होने वाला है, लेकिन जब चुनाव नज़दीक आता गया और चुनाव इस प्रकार से आमने सामने की भिड़ंत का हुआ, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कैंडिडेट के रूप में विनेश फोगाट और बैरागी के बीच में, कि ये चुनाव सिमट गया लगभग 6000 वोट तक। विनेश फोगाट चुनाव तो जीत गई, लेकिन जनता के बीच एक संदेश गया पहलवान और खिलाड़ियों के आंदोलन को लेकर भी, कि क्या ये भी प्रेरित था। और एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति के तहत जनता के बीच ये संदेश पहुंचा रही थी कि चाहे वो जवान, चाहे वो पहलवान और चाहे वो किसान, हम तो सबका सम्मान करते हैं, लेकिन कांग्रेस राजनीति कर रही है। और अगर देखें तो फिर कांग्रेस इसका कोई जवाब नहीं दे पा रही थी, कांग्रेस के पास इसका कोई जवाब नहीं था। कारण कि कांग्रेस बिल्कुल पूरी तरह से, कांग्रेस के तमाम नेता, चाहे वो प्रदेश के नेता थे चाहे वो देश के नेता थे, उन सबको लग रहा था कि जैसे हम तो सत्ता में आ चुके हैं, हमें इन बातों से कोई मतलब नहीं। और परिणाम उसका ये हुआ कि जो जीती हुई बाजी कांग्रेस मानती थी उसको हार गई, और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कुशल और सुदृढ़ रणनीति के चलते हरियाणा में हैट्रिक बना दी। किसान, पहलवान और जवान वाले, इस जो मैंने आपको बताया, मेरे मत से आप कितना सहमत हैं? क्या वाकई किसान, पहलवान और जवान, जिसका फ़ायदा लेने के लिए कांग्रेस चुनाव मैदान में थी, वो बाजी उसको उल्टी पड़ गई? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।